कांग्रेस चाललीय सोनियाजींच्याकडे बघून, त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबाळाने पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सारखं सांगतो, आखिरकार शरद पवार ही हमारी पार्टी है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जनतेचा ऐकत असतात हेही मी बघितलेलं गेले कित्येक वर्ष, लेकिन क्योंकि अब पवार साहब ने ये निर्णय घोषित किया है। चाहे अपनी राजनीतिक लाइफ में शरद पवार जिस तरह से काम करते हैं, वो वाईबी चौहान सेंटर में आते हैं, वो सिल्वर ओक पे काम करते हैं, वो महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, वो समाज के हर तबके की तरफ ध्यान देकर उनके लिए काम करते नजर आते हैं। ये वो काम करते रहेंगे भले ही ये उन्होंने कहा है। असाच पद्धतीनं पुढे चालत राहणार आहे। भावनिक त्या ठिकाणी होऊ नका। काही काही वेळेस पवार साहेबांनी, लेकिन शरद पवार ने अब निर्णय घोषित कर दिया है। पवार साहेब चाहे अध्यक्ष रहे या ना रहे, लेकिन पार्टी का जो काम है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह की बात हम देख रहे हैं अजीत पवार कर रहे हैं। तुम्हें पण भावनिक लगेच आता आम्हाला दुसरा पर्याय नाही, आमचा नाही। अरे साहेब आहेतच ना, पर्याय नाही दुसरा कुणाचा पर्याय तुम्हाला मला गलत नाही का? कार्यकर्ताओं का अजित पवार बता रहे हैं कि अब पवार साहब ने अपना निर्णय ले लिया है। अभी भावनिक होकर इस तरह से निर्णय बदलने का आग्रह करना कितना सही है ये भी हमें सोचना चाहिए। राज्यांमध्ये जाणं, तिथं बैठका घेणं आणि राष्ट्रवादीची काही मीटिंग वगैरे असेल तरी देखील जो नए अध्यक्ष होंगे वो भी पार्टी की कमान संभालेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश में अलग अलग बैठकों में जाकर शामिल होंगे। पवार साहब मार्गदर्शन करते रहेंगे। चाहे कोई भी अध्यक्ष हो पार्टी का या दूसरे राज्यों में चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, पवार साहब के बगैर पार्टी का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उनका मार्गदर्शन हमें कायम रहेगा। साधारण चर्चा करायचे काय कुणाचं मत आहे काय नाही। आज आपण सगळे आलो पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने। पवार साहब अध्यक्ष के तौर पर भी हमेशा से सभी पार्टी के आला नेताओं को साथ में लेकर बैठते थे, बैठक करते थे, बातचीत करते थे, चर्चा होती थी और उसी के बाद सहमति से निर्णय लिया जाता था। इतर कुठल्या तरी भाकरी फिरवायच्या अशा पद्धतीने लोकांनी, त्याच्यातनं अर्थ लोकांनी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी, जब उन्होंने बयान किया था कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है, तब लोगों को लगा था कि पता नहीं किस तरह से संगठन में रोटी पलटी जाएगी और किस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी को भी इल्म नहीं था कि ये बात उन्होंने खुद के बारे में कही थी। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि बार बार आग्रह ना करें। पवार साहब की उंगली पकड़ के ही हम सभी ने इस संगठन में, इस पार्टी में, राज्य में और देश में काम किया हुआ है। अगर कोई नया अध्यक्ष होता है और उसे अगर मौका मिलता है नई नई बात सीखने का, पार्टी को अलग तरीके से आगे लेके जाने का, तो क्यों किसी को दिक्कत होनी चाहिए? इस तरह की बात अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। साहब महाराष्ट्र में घूमने ही वाले हैं, देश भर में घूमने ही वाले हैं और हर समय उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। नवीन होणारा अध्यक्ष, नवीन होणारी कार्यकारिणी, बाकीचे सगळे सहकारी साहेबांशी चर्चा करूनच पुढचे निर्णय घेणार। चाहे सांसद के चुनाव हो या विधायकों के चुनाव हो, पवार साहब से चर्चा किए बगैर कोई भी निर्णय पार्टी में नहीं लिया जा सकता। काही भावनिक होण्याचं काही कारण नाही। हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता। किसी को भी इस घोषणा के बाद भावनिक होने का
कोई कारण नहीं है। सगळं बाकीचं मीडिया तेच चाललं असतं, त्याच्यामुळे दोन तारीख ठरली आणि त्या पद्धतीनं साहेबांनी त्यांचा निर्णय जाहीर केलेला। माझी आपल्याला विनंती आहे एक मई को ही इस बात की घोषणा होने वाली थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ की रैली एक मई को मुंबई में होनी थी, इसीलिए आज का दिन तय किया गया। गोष्टी अतिशय व्यवस्थितपणे होती, साक्षीने तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो। धन्यवाद। शरद पवार के मार्गदर्शन में आगे की पार्टी की जो रणनीति है, जो कामकाज है, वो इसी तरह से आगे चलता रहेगा, सही तरीके से चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के शर्मा राष्ट्रीय महासचिव कोई दूसरे नेता बता रहे हैं कि आज पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है वो देखनी जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व बदल सही वक्त पर नहीं किया गया तो क्या हश्र होता है, ये कांग्रेस की तरफ देखकर हमें पता चलना चाहिए। आखिर तक पवार साहब पार्टी के मुखिया ही रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये हमें मान्य करना होगा। हालांकि अजीत पवार जो कि शरद पवार ने लिए निर्णय से सहमत दिख रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और आला नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है, जो घोषणा आज हुई है, वो पार्टी के कैसे हित में है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी अड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि शरद पवार पार्टी में सक्रिय भूमिका में शामिल रहे। हेलो साहेब, आपण पुस्तकाच्या प्रकाशनाला आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं, आम्ही आनंदाने इथं आलेलो। आता कुठल्याही परिस्थितीत आपण हा निर्णय बदलण्याशिवाय आपल्याला काही पर्याय राहिले नाही। मी आपल्याला 1999 साली जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेलो होतो तेव्हाच मी आपल्याला स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की शेवटपर्यंत हा पक्ष आपल्या भोवती फिरणार आहे, आणि आजही 2023 साली त्यात किंचितही कुठला फरक होणार नाही। आपण हा निर्णय का घेतला हे कोणाच्याच आमच्या आपल्यापुढे जर आम्हाला राजकीय अनुभव काहीच नाही रे, आम्ही म्हणणारे नाही आणि कधी मानणारे नाही। आपला प्रत्येक शब्द आम्ही प्रमाण मानून इतके वर्ष काम केलेले आहे। आज आपल्याही 60 वर्षाच्या कारकिर्दीत असा प्रश्न पहिल्यांदाच आला असणार की लोकांच्या सांगण्यावर बात कर रहे हैं। दादा आपण सगळेजण जरी साहेबांच्या शब्दाबाहेर करणार, अध्यक्षपद हे काही साहेबांचं काही अनुभव नाही। मला असं वाटतं की साहेब पदावरून आपण कधी बाहेर जाऊ नये, ही माझी विनंती आपली सगळ्यांना राहणार। निंबाळकर भी विनती कर रहे हैं कि भले ही अजीत पवार बता रहे हैं कि किस तरह से नए अध्यक्ष की अब पार्टी को जरूरत है, लेकिन हम अभी भी इसी भूमिका पर अटल है, कायम है कि आपका नेतृत्व पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांसद सुप्रिया सूले से आग्रह किया जा रहा है कि वो भी इस समय पर बात करें और अपनी भूमिका सामने रखें। कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी भी घोषणाएं दी जा रही है कि जो निर्णय शरद पवार ने लिया है वो किसी को भी स्वीकार नहीं है। आओ।
साहेब साहेब आपण तो आहे अध्यक्ष राहा आणि पक्ष प्रमुख म्हणून कोणा तरी जबाबदारी द्या एवढी विनंती आहे. अभी भी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिशें चल रही है कि शरद पवार को मनाया जाए. उनको कहा जा रहा है कि आखिरी दम तक आप ही पार्टी के मुखिया तो, मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी स्वीकारे और बने रहे. राज्य भर अपने सगले सहकारी अतिशय पैनिक खूब लोग दादा पूरे महाराष्ट्र से पूरे राज्य से कार्यकर्ताओं के फोन आना शुरू हो गए हैं. कार्यकर्ताओं में अस्वस्थता दिख रही है इस निर्णय से. वो बहुत ही व्यथित है ऐसा बताया जा रहा है. इस निर्णय के बारे में आप पुनर्विचार करें ये हम सभी की विनती है. विलंब करू नये अपना विनंती है. खूप लोकांचे फोन येत आहेत. प्लीज सर आप अपनी भूमिका बदलने में कोई भी विलंब ना करें. जल्द से जल्द आप अपना निर्णय पीछे ले. इस तरह की गुजारिश पूरे राज्य से कार्यकर्ता कर रहे हैं. उनके फोन आ रहे हैं. कई लोग मुंबई की तरफ आ रहे हैं निकल चुके हैं. सभी कार्यकर्ता विनती कर रहे हैं कि पवार अपने निर्णय को पीछे ले. हम देख सकते हैं किस तरह से पार्टी के सभी आला नेता इकट्ठा बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं. माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे साहेबांच्या समक्ष जे सगळं जे काही तुम्ही बोलत आहात जी भावना त्यांना समजलेली आहे सगळ्यांना समजलेली आहे आणि ह्या प्रसार माध्यमातून अख्खा महाराष्ट्र आणि देशाला पण समजलेली आहे. म्हणून या विषयामध्ये काही आता परत प्रफुल्ल पटेल बात कर रहे हैं. साहेबांना आता आम्ही आणि जबाबदारींना आम्ही जयंतराव दादा आम्ही वो सबसे विनती कर रहे हैं कि जिस प्रकार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जे जरी ते बोलले अपनी बात रख रहे हैं भूमिका सामने रख रहे हैं. बार बार वही बात कहने में कोई मतलब नहीं बनता. आज आम्ही साहेबांच्या बरोबर नंतर चर्चा करू अशा ऐका हो हाथ जोड़ो. प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि पार्टी के सभी आला नेता आज ही शरद पवार के साथ बैठकर बैठक करेंगे चर्चा करेंगे. कल तक का भी विलंब नहीं किया जाएगा बल्कि आज ही शरद पवार के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी. जो आप सभी कार्यकर्ताओं के मन में है वही बात हमारे भी मन में है और इसी के बारे में हम शरद पवार जी से बैठकर बात करना चाहेंगे. कोई कमेटी का विषय नहीं है बल्कि व्यक्तिगत तौर पर सभी आला नेता शरद पवार से बात करना चाहते हैं चर्चा करना चाहते हैं. हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमें आज तक का समय दिया जाए बात करने के लिए. इस हॉल में सभी कार्यकर्ताओं के सामने मीडिया के सामने कोई चर्चा नहीं हो सकती.
हमें थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ताकि हम शरद पवार के साथ बैठकर चर्चा करें। बाबा आम्ही या सगळ्यांच्या देखील काय साहेबांच्या बरोबर काय व्यवस्थित चर्चा करू शकतो का? तुम्ही लोक इथे सगळे ज्या पद्धतीने बोलतात मीडिया समक्ष आहे, आम्हाला जरा शांतपणे साहेबांच्या बरोबर सगळ्यांना म्हणजे 10-12 लोकांना बोलू तरी द्या। अरे हो, एका बाजूला आपण म्हणतो साहेबांची वय, साहेबांची प्रकृती, मीडिया के सामने इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। शांति से बैठकर 10 से 12 आला नेता जो है शरद पवार के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और जो बात आप सभी के मन में है उसी दिशा में निर्णय लेने की कोशिश हम बैठकर करना चाहेंगे। समजून विचारून जरी त्यांनी सांगितलं असेल, त्यांचा निर्णय जरी ठाम असेल, आम्ही पण सगळेच त्यांच्याच परिवारामध्ये जाऊ ना। शरद पवार जैसे नेता का जो निर्णय है वो उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया होगा और उनका आदर करना जरूरी है। प्लीज माझी विनंती आहे, हम भी उन्हीं के परिवार का हिस्सा है, सुचवतो त्या पद्धतीने प्लीज आमची विनंतीला मान। बाकी काय होत महबूब असा काय होत नाही, हमारी विनती को स्वीकारा जाए और हमें समय दिया जाए ताकि हम शरद पवार से बैठकर बात करें। सल्ला घेतली त्यांची पण केली, त्यांच्या पण म्हणणं बरोबर आहे की अशाच पद्धतीने करायला पाहिजे। भुजबळ साहेब तुम्ही पण सहमत आहात का या पद्धतीने? जरा पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटील से भी हम बात कर रहे हैं। अरे हे काय असं नाही, और हमें लगता है यही सही होगा। अरे वर्ती म्हणजे पण या रूमच्या बाहेर तर जावं लागेल ना। बातचीत के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाबा आता हे महबूब उपोषण हे ते सगळे गोष्टी आम्ही पण तुमच्या सोबत मूर्ख आहेत काय? तुला सही करता है काय? अरे अरे कोई किसी तरह का उपोषण ना करे, कोई किसी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया ना दे। सकाळ पासून ते आले, त्यांना थोडा जेवण करू द्या, थोडा विश्राम। बहुत समय हुआ है, शरद पवार जी ने खाना भी नहीं खाया है, साहेबांच्या बरोबर चर्चा करू आज। अब उन्हें यहाँ से निकलना जरूरी है, हम शरद पवार के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। मर्यादित जेवण असते, त्यांची वेळ झाली आहे, प्लीज असा नको, असा नको प्लीज। आम्ही तुम्हाला सगळे हात जोडून विनंती करतो, आम्ही सगळे लोक तुमच्या मनासारखा घडून आणायचा पूर्णपणे प्रयत्न करू, शेवटपर्यंत प्रयत्न करू। नाही आता इथे थांबून काय उपयोग आहे? साहेबांना जेवण करू द्या, तास अर्धा तास विश्रांती तरी करू द्या, मग नंतर आम्ही जाऊन। कोई उपयोग नहीं है, शरद पवार को विश्रांति की जरूरत है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कृपया उन्हें यहाँ से अब जाने दिया जाए। साहेबांची एक स्पेसिफिक जेवणाची वेळ असते, त्याच्यामुळे साहेबांना जाऊ द्या, आपण निर्णय घेऊ। आपल्या सगळ्यांना परत मी विनंती करतो, आम्ही सगळे इथे पुढारी बसलेल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या मनासारखा असा 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 काही पद्धतीनं काही साहेबांनी आम्हाला बसू तरी द्या। आम्हाला हिशोब बसलेला आहे, साहेबांनी आम्हाला एकालाही विश्वासात घेतला नव्हता, आम्हाला एकालाही अशी सूचना की संकेत नव्हता की आज काय बोलणार आहे साहेब। तुम्ही जसे आले तसेच आम्ही आलो। हमें किसी को भी नहीं पता था कि आज शरद पवार इस तरह की घोषणा करेंगे। अरे बस ठीक है, तो ठीक है। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह का निर्णय शरद पवार लेंगे। आधा घंटा एक घंटा हमें समय चाहिए होगा, यहाँ बैठकर निर्णय नहीं लिया जा सकता, चर्चा नहीं हो सकती।
एक ही माणूस बाहेर गेलेला नाही आम्ही कुठे जाणार नाही तोपर्यंत साहेब निर्णय घेत होईपर्यंत साहेब कार्यकर्ता हॉल छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं, वो अड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं से बताया जा रहा है कि जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी हॉल से बाहर नहीं निकलेगा। जो समिति स्थापित की गई है इसी इमारत में दूसरे मंजिल पर जाकर निर्णय लिया जाए, इस तरह की गुजारिश कार्यकर्ताओं से की जा रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, किस प्रकार इस कार्यक्रम के बाद जब शरद पवार ने इस्तीफा की घोषणा की, पार्टी अध्यक्ष छोड़ने की बात कही, तब से हम देख रहे हैं किस तरह से सभी कार्यकर्ता जो है वो नाराजी जता रहे हैं, निर्णय वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत पवार हो, सुनील तटकरे हो, पार्टी के सभी आला नेता कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अब शरद पवार को यहाँ से निकलने दिया जाए, ऐसे गुजारिश की जा रही है, लेकिन मौजूद कार्यकर्ता बात मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। एक बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है आज मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में। अब नेता आपस में चर्चा करते दिख रहे हैं। जयंत पाटिल जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश के मुखिया है राष्ट्रवादी के, वो प्रफुल्ल पटेल से बात करके इस सिचुएशन का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काहीतरी भरोसा ठेवा ना, नाही नाही असा नको करा, प्लीज जाऊ द्या, चला जाऊ द्या, चला जाऊ द्या। प्रफुल्ल पटेल लगातार गुजारिश करते दिख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पूछ रहे हैं कि क्या शरद पवार को यहाँ से निकलने नहीं देंगे कार्यकर्ता, ये सही बात नहीं होगी, उन्हें भरोसा रखना चाहिए पार्टी के नेताओं पर, चर्चा में ही हल निकलेगा, ये बता रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। अजित पवार भी कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश में दिख रहे हैं। शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार बैठे हुए बीच में, और सभी पार्टी के नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से घिरे हुए दिख रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है आज वाईबी चौहान सेंटर मुंबई में, किसी को अपेक्षा नहीं थी, कोई इल्म नहीं था इस तरह की घोषणा आज शरद पवार कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और 2024 के चुनावों के पहले राजनीतिक उलटफेर के नजरिए से अगर देखिए तो ये सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है।
अगर शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का फैसला सुनाते हैं तो क्या इसके पीछे वो रस्साकशी है जो पार्टी के अंदर ही ताकत और आगे की रणनीति को लेकर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं? क्या ये शरद पवार और साथ ही अजीत पवार, जिनकी दोनों की विचारधाराओं में और इधर उधर की राजनीति में हमने पिछले दिनों कई उतार चढ़ाव देखे हैं, उन सब का नतीजा है? फिलहाल हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शरद पवार को इस वक्त हॉल से कोई निकलने नहीं देना चाहता। एक के बाद एक तमाम दिग्गज नेता पार्टी के सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप शरद पवार साहब इस फैसले को वापस लीजिए, जन्मदाता कोई बदल नहीं सकता। माता पिता से तुलना करते हुए यहां पर मौजूद नेता उन्हें रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये कि अजीत पवार हो या फिर प्रफुल्ल पटेल, दोनों ऐसे संकेत देते हुए कि शरद पवार जी ने फैसला कर लिया है तो आप लोग उस फैसले का सम्मान कीजिए, शांत रहे। पवार साहब ने जो सोचा है उसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। यह प्रफुल्ल पटेल ने कहा है पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद जो खींचतान यहां पर मीडिया के सामने आप देख रहे हैं। ये एनसीपी की बैठक में जिसमें तमाम नेता मौजूद थे, दिग्गज कोई भी ऐसा एनसीपी का नेता नहीं है जो आज इस बैठक में मौजूद नहीं है। शरद पवार, उनकी पत्नी आप देख रहे हैं, अजीत पवार जो उनके साथ बैठे हुए थे अभी उठकर फिर लोगों को समझा रहे हैं, पीछे प्रफुल्ल पटेल, और इसी के साथ एक के बाद एक तमाम नेता एनसीपी के, कोई शरद पवार के कानों में कुछ कह रहा है, प्रफुल्ल पटेल से लेकर अन्य लोग माइक पर कह रहे हैं और कुछ नेता कह रहे हैं कि आपने अपनी कही अब हमारी भी सुनिए। एक भावना, उनकी बेटी भी सुप्रिया सुले वहां पर मौजूद है। एक बड़ी रस्साकशी और खींचतान एनसीपी में तब से शुरू हुई जब सुबह सवेरे देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ले ली थी उप मुख्यमंत्री पद की, याद कीजिए। लेकिन उसके बाद उन्हें बाजी पलटने के बाद, शरद पवार के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के आगे बढ़ने के बाद अजीत पवार को फैसला वापस लेना पड़ा और वो फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ। लेकिन पिछले दिनों भी कई बार ऐसे संकेत मिले जब अजीत पवार पार्टी की सोच को लेकर इधर उधर करते नजर आए। एक और महिला वहां पर अपनी बात कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि आज भी आप हमारे पिताजी की जगह खड़े रहे और हमारा साथ दें, धन्यवाद। आम्ही सगळे आतापासून जोपर्यंत तुमचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत अन्न पाणी त्याग करून उपोषण करणार आहे तिथंच। सारखं ते 50 वेळा तेच सांग, बारीक उशीर बारीक उशीर 50 वेळा तेच सांग। 24 के पहले पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव के संकेत इसके पहले मिलते हैं? शरद पवार ने यह कहा था पिछली बार कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, रोटी वक्त पे नहीं पलटी जाए तो जल जाती है। तभी से ये संकेत और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो बड़े फेर बदल के संकेत दे रहे हैं। लेकिन कई लोग जो उनके करीबी हैं शायद जान रहे थे कि वो अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। हालांकि यहां पर यही दर्शाया जा रहा है कि किसी को कुछ भी एहसास नहीं था कि वो इतना बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। शरद पवार, उनकी पत्नी और बगल में अजीत पवार, एक बड़ा संकेत है ये। और अजीत पवार बीच बीच में माइक लेकर लोगों को वहां पर समझाते हुए कि आप शरद जी को जाने दीजिए, उन्होंने फैसला ले लिया है, उस फैसले का सम्मान करना जरूरी है। क्या 24 के पहले पार्टी की रणनीति को लेकर कोई बड़े संकेत इससे निकाले जा सकते हैं? क्या होगा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का? अजीत पवार और शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे पहले क्या कहा है, आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। जनतेचं प्रेम, सरकारांचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे, श्वास आहे। यापुढं आपणापासून कोणतीही हरकत नाही, मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली घेतो। गैरसमज करून घेत आहे की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेस मध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालले सोनियाजींच्याकडे बघून, त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागाबळ्यांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे, ते
साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेलेच आहे. साहेबांनी सांगितलंय की जी काही कमिटी आहे त्या कमिटीनं त्याबद्दलचा एकंदरीत लोकांचा काय कौल आलेला आहे आता ते लक्षामध्ये घेऊन पुढच्या गोष्टी त्यांनी ठरवाव्यात आणि ते जे ठरवतील ते साहेबांना मान्य आहे असं साहेबांचं म्हणणं आहे. कमिटी म्हणजे काही कुठले बाहेरचे लोक नाहीये, आपले परिवारच आहे. आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी परिवारातले सन्माननीय सदस्य सगळे बसतील, आम्ही पण काही दुसरे बाहेरचे नाहीये. तो पहले आपने सुना शरद पवार का फैसला जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वो पार्टी में अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे. फिर हमने आपको सुनाया क्या कह रहे हैं अजीत पवार. अजीत पवार ने साहिल जोशी पहला झटका एनसीपी को तब दिया था जब सुबह सवेरे दुनिया के जागने से पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली थी. उसके बाद से एक खींचतान की शुरुआत हुई. महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बनी, वो वापस आए, मना लिए गए. आज जब शरद पवार ये कहकर पिछली बार की रोटी जल जाएगी अगर सही वक्त पर नहीं पलटा अपना इस अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, तो ये बार बार अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समझा रहे हैं कि एसपी साहब ने आपको सुन लिया है, अब थोड़ा सा उनको वक्त दीजिए, हम लोग फिर से उनसे बात करेंगे, सबको समझा बुझाकर हटाने की कोशिश. क्या ये चाचा और भतीजे के बीच या फिर एनसीपी की 24 के पहले रणनीति को लेकर एक खींचतान का भी संकेत है? देखिए, जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये खींचतान का संकेत ही साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां तक बात रही पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की या राजनीति में एक अलग नजरिए से राजनीति में रहने की, इसको लेकर शरद पवार ने इससे पहले भी ये बयान दिया था कि वो अब उनके अलग अलग बाकी इंटरेस्ट है. फिर वो सांस्कृतिक चीजों में काम करने का हो या अजीत पवार इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, ये सुनाते हैं. ते त्यांचं मत तिथं व्यक्त करतायत, त्याच्यामुळं आता साहेबांना गेल्यानंतर आम्ही 4-5 वाजता तिथं जाऊ सिल्वर ओकला, साहेबांना सांगू आता साहेब एवढं सगळं झालेलं तर आपण थोडस तुला एक मिनिट त्या संदर्भात साहेबांना आता जाऊ दे, तिथं संध्याकाळी आम्ही जाऊ आणि साहेबांशी चर्चा करून ह्याच्यातनं तुमच्या मनासारखा मार्ग काढण्याचं करू. नाही काय नाही करू म्हटल्यावर आपके बन रहे वही रास्ता निकालने की हम कोशिश करेंगे, अजीत पवार कह रहे हैं. तो हमें थोड़ा समय देना होगा, यह अजीत पवार कह रहे हैं. तो ऋतिक हमारे सहयोगी आपके लिए मराठी को हिंदी में बता रहे हैं. और ऋतिक, क्या अजीत पवार ने अभी फिर से कहा है? वो फिर से कह रहे हैं कि हम मनाएंगे कोशिश, बताइए ऋतिक. इसी बात पर सभी नेता जो है वो अब निकलने की तैयारी में हैं, सभी कार्यकर्ता भी उठकर खड़े हो चुके हैं. प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने की गुजारिश और विनती के बाद हम देख रहे हैं कि अब शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के साथ हॉल छोड़ने की तैयारी में है. साहिल, अजीत पवार बार बार इस बात पर जोर देते हुए कि पवार साहब पद छोड़ रहे हैं, पार्टी के सारे फैसले उन्हीं के जरिए और उन्हीं के साथ लिए जाएंगे, लोगों को वहां पर समझाने के लिए, ताकि अभी जो भावनाएं इतनी उफान पर थी वहां पर उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके. देखिए, जो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए पिछले कुछ दिनों में खास करके महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद में खबरें लगातार ये आ रही थी कि एनसीपी पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा है जो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो 2019 में बीजेपी के साथ अगर उनकी बात बन जाती तो आज की स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार जो एक स्थिर सरकार साबित होती वो महाराष्ट्र में चलती. महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से शिवसेना से यानी उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल छीन कर एकनाथ शिंदे के हाथ में सौंपा गया, उस तरीके की नौबत महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं आती और आज उसका खतरा एनसीपी पर भी मंडरा सकता है. पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की केसेस चल रही है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे पार्टी के नेताओं को बचाया जा सकता था
और एक तरीके से उसका ठिकरा शरद पवार पर फोड़ने की कोशिश हो रही थी। आज की स्थिति में शरद पवार ने अचानक, खुद प्रफुल्ल पटेल ने यह बात कही कि हमें भी नहीं पता था कि शरद पवार इस तरीके से बात करेंगे। आज उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मचरित्र है, उसका प्रकाशन का प्रोग्राम रखा गया था, उसका विमोचन का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उसका फायदा उठाकर शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसको लेकर वो खुद सदमे में आ गए। अब देखिए, इसमें अजीत पवार की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। अजीत पवार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शरद पवार खुद चाहते हैं कि वो पार्टी का अध्यक्षता रहे तो आपके और मेरे कहने से वो नहीं मानने वाले। दूसरी तरफ पार्टी के बाकी सारे नेता आज की स्थिति में यह खुलकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आपके बिना हम ये पार्टी नहीं चला पाएंगे। और ऐसे में ये बात उभर कर साफ सामने आई है कि शरद पवार ने अपना पार्टी में क्या रुतबा है, ये सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं तो पार्टी के उन नेताओं को भी दिखाने की कोशिश की है कि जो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे कि आपका फैसला 2019 में गलत साबित हुआ है। अब अजीत पवार ने आखिर में यह बात कहने की कोशिश की कि 4 बजे वो पवार के रेसिडेंस जाएंगे और दोबारा उनको मनाने की कोशिश होगी। अंजना, अगर अगर शरद पवार फैसला नहीं पलटते हैं, कौन हो सकता है अगला अध्यक्ष? अजीत पवार, सुप्रिया सुले या कोई तीसरा नेता? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये शरद पवार की पार्टी है, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है कि जहां पर नेताओं ने साथ मिलकर किसी और को अध्यक्ष बनाए रखे और पार्टी में गांधी फैमिली, जैसे कांग्रेस में होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है लेकिन गांधी परिवार का की बात आखिरी बात रहती है, उस तरीके की पार्टी नहीं है। ये शिवसेना में जैसे बाला साहब का शब्द आखिरी शब्द था, उस तरीके की पार्टी है। तो ऐसे में शरद पवार के अलावा, शरद पवार के जीते जी अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो पार्टी के कैडर में एक मैसेज जो जाएगा वो अलग मैसेज जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार अपनी बात पर कायम अड़िग रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद पार्टी के भीतर कोई ऐसा पद तैयार किया जाए, क्योंकि शरद पवार ने बाला साहब ठाकरे की तरह पार्टी का लाइन ऑफ सक्सेशन क्या होगा ये साफ नहीं किया हुआ है। अगर उन्हें किसी के हाथ में कमान सौंपनी थी तो हो सकता है कि पिछले 3-4 साल में उस बात को वो जाहिर करते, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उस तरीके की बात एनसीपी में नहीं है। इसका मतलब ये कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। सही है अंजना, अगर आपकी बात सही है तो फिर क्या शरद पवार पार्टी के अंदर किसकी चलती है, लोग किससे जुड़े हुए हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए आज उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल किया अगर वो अपना फैसला नहीं पलटते? मुझे लगता है कि उसी के लिए क्या, बिल्कुल सही कह रही है आप, मुझे लगता है कि इसी के लिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। आज की स्थिति में एक जो कहते हैं ना झटका तंत्र, ये बाला साहब ठाकरे कई बार शिवसेना में कह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के किसी फैसले पर अगर उन्हें पता चले कि पार्टी के भीतर उनके शीर्ष नेता उससे उस फैसले से इत्तफाक नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है कि नहीं बाला साहब ठाकरे को यह फैसला नहीं करना चाहिए था, उस वक्त कई बार बाला साहब ठाकरे ने मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं इस तरीके की भूमिका ली। हालांकि उनमें और शरद पवार में फर्क सिर्फ इतना है कि शरद पवार ने 3 साल का समय दिया है पार्टी को कि अगले 3 साल के बाद मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही महीने पहले दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में शरद पवार को 5 साल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया था, और उस अधिवेशन में जो शरद पवार का भाषण था उसमें शरद पवार ने कहीं भी यह बात नहीं रखी कि दिस इज माय लास्ट टर्म, ये मेरी आखिरी टर्म होगी पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पर। तब वो कह रहे थे कि हमें पार्टी को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, क्या करना है, किस तरीके से विपक्ष को साथ में लाना है, ये बात वो कर रहे थे। आज 1 साल के बाद ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि आप वो कह रहे हैं कि अगले 3 साल के बाद वो अध्यक्ष दे रहे हैं। जल्दी से अपने दर्शकों को सुनाते हैं एक बार, प्रफुल्ल पटेल मैं लौट रही हूं आपके पास, क्या कहा प्रफुल्ल पटेल ने आज, क्योंकि ये 3-4 बड़े चेहरे हैं यूपीए की सरकार में, मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी थे, सुनिए क्या कह रहे हैं। साहब तुमच्याशी काही दूर गेले नाही, जाणारही नाही, फक्त थोडं त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी फेरविचार करावा, त्यांनी त्यांच्या जे काही इथे आता सूचना त्यांनी केली आहे त्याला वापस घ्यावा, मागेर घ्यावा आणि आपल्या सगळ्यांच्या भावनांचा आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभला पाहिजे। जितने भी वहां पर करीबी अगर आप देखें तो प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी की तरफ से यूपीए की सरकार में बड़े चेहरे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे। हाल के दिनों में हमने देखा है कि अजीत पवार ने एक अलग ताकत अज्यूम की है पार्टी के अंदर, खास तौर पर ऐसे में एक सत्ता संघर्ष पार्टी के अंदर भी है क्या, इसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अगर वाकई शरद पवार
अपना फैसला पलट सकते हैं, तो क्या उन्होंने आज अपने किताब के विमोचन पर इस मंच का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत और अपनी पार्टी के अंदर ही लोग किस तरह से उनको भाव देते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। लोग स्तब्ध हैं अभी, इमीडिएटली इसके बारे में हम क्या रिएक्शन दें, हमने केवल अभी यही कहा है कि आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद में हम लोग आके मिलेंगे कुछ प्रमुख लोग और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन नई जनरेशन को आगे लाना चाहिए, इस बात से आप सहमत हैं? नई जनरेशन को आगे ना, जितना आपने सुना उतना ही हमने सुना, आपने जिस वक्त सुना उसी वक्त हमने सुना। रिएक्शन मेरा इतना ही इस बारे में है कि उन्होंने बहुत सारे नए लीडर्स को, हम जैसे लोगों को कई साल पहले मौका दिया और हम लोगों को आज यहां तक पहुंचने का मुकाम पे लाए, ऐसे कई लोगों को उन्होंने बनाया, उनका मार्गदर्शन एनसीपी को मिलता रहेगा, महाराष्ट्र को और देश को मिलता रहेगा। की बागडोर को थामने के लिए आप अपने आप को परिपक्व मानते हैं? मैं इस बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, शरद पवार जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष आज हैं। आप तैयार हैं? अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप तैयार हैं? ये सब बातें अभी फिजूल की करने का मतलब नहीं। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जिनका कहना है कि वो खुद हक्के बक्के हैं इस फैसले के बाद। उनका कहना है कि पार्टी के किसी भी नेता को इस बात का इल्म नहीं था कि शरद पवार इतनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उनका हालांकि कहना है कि अभी वो रेस्ट करने के लिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से मीटिंग होगी और आगे की चर्चा होगी। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि पार्टी के तमाम आला नेता बहुत शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं और किसी को भी पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। से बातचीत आप देख रहे थे प्रफुल्ल पटेल से, हमारे सहयोगी की, जिसमें उन्होंने तमाम सवाल उनके सामने रखे। अंत में यह भी पूछा कि क्या आप अध्यक्ष पद संभालेंगे, उन्होंने कहा ये फिजूल की बातें हैं, अभी हम शरद पवार को ही समझाने वाले हैं। और अभी तो बाय एंड लार्ज यही भाव दिखता है साहिल कि मना लेंगे शरद पवार को। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये, देखिए हमें इस बात पर ध्यान रखना, उस दिन हमने आज तक में हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से अजीत पवार और कुछ विधायक चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हो। ये खबर इसलिए आई थी कि कुछ दिन पहले पार्टी के बड़े नेता, जिसमें अजीत पवार शामिल थे, प्रफुल्ल पटेल शामिल थे, जिसमें छगन भुजबल शामिल थे, पार्टी के विधान परिषद के कुछ नेता उसमें शामिल थे, सुनील तटकरे जो पार्टी के रायगढ़ के सांसद है वो उसमें शामिल थे, ये सारे लोग शरद पवार को मिलने के लिए उनके घर गए थे। खबर यह आ रही थी कि उस मीटिंग में इन लोगों ने शरद पवार को यह कहने की कोशिश की कि सर पार्टी के कई विधायक चाहते हैं कि हमें बीजेपी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ। तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, प्रतिभा पवार जो उनकी पत्नी है, कहा जा रहा है कि वो जरा ज्यादा भावुक हो गई है और वो रोती हुई नजर आ रही है। दरअसल देखिए बाहर में पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो सब नारेबाजी कर रहे हैं शरद पवार के हक में, और शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनका अक्रॉस पार्टी लाइंस, जिनमें सब सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है। और एक बयान प्रधानमंत्री का याद आता है जब उन्होंने कटाक्ष किया था अन्य नेताओं पर, और वो शरद राव ने कहते हैं आपको शरद राव से सीखनी चाहिए, उनका आचरण सीखना चाहिए। और आज जब आप देख रहे हैं शरद पवार वहां से निकल रहे हैं तो बाहर में बहुत नारेबाजी हो रही है, उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द उनकी पत्नी उनके साथ थी और वो सभी के सभी काफी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एनसीपी को देखें, पार्टी के अंदर शरद पवार के और देश भर में उनके रुतबे को देखें, तो एक लगाव और भावनात्मक जुड़ाव जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, तो यहां तक बोला एक महिला सांसद ने वहां पर कि आप ही जन्मदाता है और जन्मदाता कोई नहीं बदल सकता है, तो इससे एहसास होता है कि लोग उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अजीत पवार जब ये कहते हैं कि अगर शरद जी ने यह फैसला लिया है तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग पार्टी वैसे ही कामकाज चलेगा, वो देखेंगे सब कुछ, फैसला उनकी सहमति के साथ ही होगा, ये क्या संकेत है? क्या अजीत पवार को पहले से पता था? क्या अजीत पवार का बीजेपी की तरफ झुकाव, जिसकी खबरें बीच बीच में आती रही हैं, वहां से भी एक पूरा एंगल इस खबर के लिए निकलता है? देखिए वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी शरद पवार के पास में, उस मीटिंग में इन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि देखिए पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे कई लोगों पर सेंट्रल एजेंसीज का दबाव है। हसन मुशरिफ पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी की रेड चल रही है। खुद अजीत पवार जिनके यहां पर हाल ही में उनको क्लीन चिट मिली हालांकि एक मामले में ईडी की तरफ से, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जिनके खिलाफ ईडी के दो केसेस चल रहे हैं,
ये छगन भुजबल जिनके खिलाफ जो ईडी का केस चल रहा है जिसपे वो 2.5 साल जेल के अंदर बिता चुके हैं उनके ऊपर भी दोबारा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों के मद्देनजर क्यों ना हम बीजेपी के साथ दोबारा मिले और यहां पर सरकार बनाए। महाराष्ट्र में पिक्यूलियर सिचुएशन ऐसी है कि लोकसभा के लिए शायद बीजेपी को थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ सकती है, अगर बीजेपी को 40% के ऊपर वोट शेयर चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में अभी यह मामला हो सकता है, लेकिन उसके लिए शरद पवार की मंजूरी बहुत जरूरी है वरना पार्टी का कैडर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस पर शरद पवार ने साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। सिर्फ बात यहां तक सीमित नहीं रही, उसके बाद में संजय राउत ने शरद पवार को कोट करते हुए, क्योंकि उसी दिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और शरद पवार को कोट करते हुए संजय राउत ने भी यह बयानबाजी शुरू कर दी और उसके बाद मीडिया में ये बातें फैली। उसके बाद अजीत पवार सामने आए और कहे कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ यानी एनसीपी के साथ रहूंगा, लेकिन दूसरे किसी पार्टी के नेता को हमारे पार्टी के मामले में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए। लोग ये सोच रहे हैं कि संजय राउत शरद पवार के कहने पर अजीत पवार को टारगेट कर रहे थे, जो अजीत पवार को नागवार गुजर रहा था, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी की जो जॉइंट रैलीज पूरे महाराष्ट्र में 8 रैलीज होने वाली है उसमें से नागपुर की रैली में अजीत पवार ने भाषण करने से मना कर दिया। कल जो मुंबई में रैली हुई उस रैली में भी अजीत पवार भाषण करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में शिवसेना को रिक्वेस्ट करनी पड़ी शरद पवार को, शरद पवार के कहने पर अजीत पवार भाषण करने के लिए खड़े हो गए। ये सारी चीजें देखते हुए शरद पवार को ऐसे लग रहा था कि उनका फैसला महाविकास आघाड़ी के साथ रहने का, उनका फैसला बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन महाराष्ट्र में करने का, ये पार्टी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी के साथ पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स उनके अच्छे हो सकता है कि सेंट्रल एजेंसीज का जो उन पर दबाव है वो उससे हट जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे, कोई भी कारण हो, लेकिन शरद पवार ये अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो अगर उनके साथ होता है तो उनके पॉलिटिकल जीवन के आखिरी क्षणों में उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर वो खुद ही कहे कि वो पार्टी के इससे हटना चाहते हैं तो उनको ये समझने में आसानी होगी कि पार्टी में कौन सा तबका किसके साथ खड़ा है, उनके साथ क्या अभी भी वो पार्टी का कॉन्फिडेंस अपने साथ रखने में कामयाब है या नहीं है, शायद ये टटोलने का वक्त। एक और दिलचस्प बात आज पूरे प्रकरण में हुई है, जब सुप्रिया सुले को भी बोलना था तो खबर ये आ रही है कि सुप्रिया सुले नहीं बोले ऐसा बेहतर होगा, अजीत पवार ने कहा था, उन्होंने कहा मैं बड़ा भाई हूं और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि वो ना बोले। इसमें भी एक संकेत कहीं छिपा हुआ और माना जा रहा है कि अगर शरद पवार फैसला नहीं मानते हैं तो क्या अजीत पवार या सुप्रिया सुले या फिर कोई तीसरा चेहरा हो सकता है मानेंगे या नहीं मानेंगे शरद पवार। फिलहाल उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला अपने किताब के विमोचन के वक्त सुना दिया है, लेकिन पीछे एक बड़ी रस्साकशी भतीजे अजीत पवार के साथ बताई जा रही है जिनका झुकाव बीजेपी को लेकर है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर।